अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन, शार्प इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। फेक वैक्सीन सर्टिफिकेट लेने वालों की अब खैर नहीं। काला पत्थर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में फेक सर्टिफिकेट बनाने वालों को किया गया गिरफ्तार। एसीपी चारमीनार ने मीडिया को तमाम तफसीलात बताई। पेश है शार्प इंडिया न्यूज़ से हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर अब्दुल खय्यूम की यह खसूसी रिपोर्ट। मजीद ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें। मोहम्मद सैफ जो अलीबाग में काला पत्थर में रहता है, उन्होंने ये सरूर नगर में एक कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते हैं। उनके दोस्तों मिसबाउल्ला, असलाम और फरीद, ये लोगों भी इनके घर के आसपास में रहता है, तो थोड़ा लोगों पहचानने वाला है। उन लोगों से अप्रोच हुआ है, थोड़े लोगों बगैर वैक्सीनेशन लेके उन लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए। उन लोगों को अगर कहीं जाना है तो भी अस्पतालों में जाना है तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं, लीजिए। मगर उन लोगों उनका उनका वजह से पर्सनल रीजन से नहीं करना चाह रहे हैं, मगर सर्टिफिकेट चाहिए उसको। एक उनके वास्ते सर्टिफिकेट होना है बोले तो मैं करके दे तुम बोल के एक आदमी से 1000 तक लेके उन लोगों को बगैर कोविड वैक्सीनेशन देके उनका आधार डिटेल्स एंट्री करके कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करके दिया है। वैसा लेने में थोड़ा लोगों आइडेंटिफाई हुआ, उसमें अभी तक तो 8 जने एडमिशन आइडेंटिफाई हुआ उन लोगों के नाम से। अभी उन लोगों का कहाँ तक रोल है, उन लोगों को कुछ चाहिए, इन लोगों को प्रोवोक करके ले लिए, उन लोगों से आगे इंक्वायरी में मालूम होगा। ये 4 लोगों को आज काला पत्थर पुलिस स्पेशली सुदर्शन और विक्रम सिंह जो डीए है, उनका टीम जो स्पेशल है, वो इंफॉर्मेशन आने से उन लोगों को उनका उनका जो लेते हैं हिरासत में लेके इंक्वायरी करके अभी ले लेके वो सही है इंफॉर्मेशन लेते हैं, सही है मालूम होने के बाद उनको अरेस्ट करें ना, उसको एक एक आदमी के एक एक पकड़ना, अदालत के सामने पेश करेंगे और 4 आदमी के एक ही साथ पकड़ लीजिए, रिमांड को भेजेंगे।